चिंटू बैठे हैं छत पे और यहाँ आ गई है बारिश। टाइम हो रहा है नाइट के 10 और मैं खुशू छत पे घूमने के लिए आए थे और जैसे ही छत पे आए तो यहाँ बारिश आ गई। खुशू गीली हो गई, गीली। अच्छा गीली हो गई, खुशू बोल रहा है गीली हो गई। दूसरे कपड़े हो रहे, इतनी तेज तो बारिश आई भी नहीं है अभी। ये देखो खुशू, काले काले बादल हो रहे हैं। हाँ खुशू को नहाना है बारिश में। चलो नहा लो, ऐसे ही नहा लो, नहा लो ऐसे ही। ये उतारो, अब बारिश में नहाओगे रात को 10 बजे? थिल्ले हो जाओगे। कहाँ जा रहे हो खुशू? देखना कहाँ दबक गया ये। अभी जा रहे हैं हम नीचे, नीचे जाके ब्लॉग शूट करते हैं, यहाँ बारिश तेज आ गई है। खुशू नहा लो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, शेयर करना, बोलो शेयर करना, बोलो शेयर करना, करना। दोस्तों शेयर करना, शेयर करना, ठीक है। देखो खुशू कितने प्यार से बोलता है यार, आप सबको प्लीज मुझे सपोर्ट करना चाहिए। अरे खुशू ने देखो मेरे बालों का क्या बना रखा है। खुशू आप मेरे ऊपर कूद रहे थे ना? नहीं खुशू, मैंने बहुत पिटाई लगाई है आपको, फिर भी नहीं मान रहे आप। खुशू आप नाइट में ही बहुत ज्यादा परेशान करते हो। सुसु आ रही है, सुसु की पैंट। हट गया, हटो खुशू को अब लगेगी पिटाई। खुशू ने देखो मेरे, सुसु तलू। चलो सुसु टॉयलेट में जाना, ठीक है? वेरी गुड खुशू, तो बन गया सिंगर। समझ गया। हाँ खुशू समझ गया है, ठीक है। समय बताऊँ मैं। खुशू कह रहा मैं समय बताऊँ समय। ये खुशू ने बहुत ज्यादा रात के बजे हैं 1 और खुशू ने कर रखी है यहाँ बहुत ज्यादा सोने नहीं दे पाए। कहाँ जा रहे हो? बाबा लेने, छत पे लेने। बाबा छत पे से लेने? ठंडा मौसम हो रहा है, चलो मैं आपको पूरी बाजू की शर्ट पहना देती हूँ। मैंने जी पहन लिया। नहीं बेटा पूरी बाजू की पहनो, ठंडा मौसम हो रहा है ना। ठंडा मौसम, बाल लगी, बाल कहाँ बाल। और ये देखो क्या हालत मचा रखी है इसने कपड़ों की, ये देखो। खुशू ला रही हूँ कैट डैडी को। डैडी खुशू पिटाई लगा दो, जाओ तो यहाँ से। खुशू रात में बहुत ज्यादा शैतानी करता है, ये देखो। नींद कब आएगी आपको? कब नींद आएगी? खुशू मेरे ऊपर कूद रहा है बहुत तेज और मैंने इसको पिटाई भी लगाई है, फिर कह रहा फिर कूद जाऊं। नहीं बाबू लेके नहीं कूदना खुशू, बाबू थे अब मुझे लग गया। कहां लग गया? मुझे ऊपर तड़ गया। ऊपर चढ़ गया? हाँ। क्या चढ़ गया? ऊपर तड़ गया। वाह ऊपर दर्द गया, ठीक है। बाबू के नीचे मैं बाबू को सुला रही हूँ। बाबू सो जाओ, बाबू सो जाओ। खुशू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाबू सुलाओ चाहे कुछ भी।
और ये लग रहे हैं अपने फोन में। इन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, ये अपने फोन में लगे रहते हैं रात को 2-2 बजे तक। बैठ जाओ, आप तो गुस्सा ही सही हो। कूद जाओ, खुश हो लग जाओ, कूद जाओ। लगी अभी तो लगी थी आपके टीथ में? नहीं लगी। लगी बेटा, लगी नहीं लगी। कूद जा मैं। अब नहीं कूदना, खुश खुश दिन में सो जाता है तो रात को बहुत लेट सोता है। रात को कम से कम इसे 2-2 बज जाते हैं और कभी कभी तो 2:30 भी बज जाते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं सोता है। हाँ, कर्टेन के पीछे हो आप। और खुशू अब खेल रहा है, कह रहा है मामा मैं कहूँ। खुशू गिर जाएंगे ये कर्टेन। अभी कहूँ डैडी से, एक बार धमकाइए इसे। उनमें लग रहा है ये पर्दा में। और खुशू ने देखो मेरे बालों की क्या हालत मचा रखी है, इसने बहुत ज्यादा बाल तोड़े मेरे। हाँ आ रही हूँ मैं आपको ढूंढने, ठीक है। 1, 2, 3 खुशू ये रहा, छोड़ो मुझे लाइट ही बंद करनी पड़ेगी और खुशू तभी सोएगा, नहीं वरना ये ऐसी शरार। खुशू ये देखो लाइट, मुझे लाइट बंद करना है। आप अभी छोटे हो बहुत ज्यादा, और टेडी बियर पे चढ़ के बाय बोलो। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं मॉर्निंग के 8:30। नाइट में मैंने कपड़े वॉश किए थे कल, और बारिश की वजह से कपड़े सूख नहीं पाए थे, तो मैं एसी के सामने कपड़े सुखा देती हूँ, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। जब भी बारिश का सा मौसम होता है तो मैं कुर्सी पे डाल के कपड़े एसी के सामने रख देती हूँ, तो जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं। और खुशू अंदर कर रहा है शरारत, पहले मैं कपड़े सुखा देती हूँ, फिर खुशू को देखती हूँ अंदर जाके, उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना। अभी पहले मैं कपड़ों को सुखा देती हूँ। खुशू जब छोटा सा था तो हमने उसके लिए एक लकड़ी की गाड़ी बनवाई थी। जब बच्चा चलना सीखता है तो उसको बनवा देते हैं, उससे जल्दी चलना सीख जाता है। और मैंने वो रख भी दी थी, और खुशू बार बार इसको निकलवा लेता है। मम्मा मुझे पीपी बुम बुम चाहिए, पीपी बुम बुम इसका नाम रखता है। और ये देखिए इसमें ही लगा रहता है, मुझे देने का डर लगता है। ले के आओ। खुशू लगा हुआ है अभी खेल में, और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बंगाली साड़ी लुक, जो कि बंगाल की बहुत ही ट्रेडिशनल साड़ी लुक है। मैं आपके साथ काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि आपके साथ बंगाली साड़ी लुक क्रिएट करूँ। मैंने प्लेन बॉर्डर वाली साड़ी ली है, जिसका कपड़े की बात करें तो आर्ट सिल्क है। साड़ी ड्रेप करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने वेस्ट के अराउंड फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया हुआ है। जैसे कि नॉर्मल साड़ी का टकिंग करते हैं, उस तरीके से मैंने फर्स्ट राउंड को कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद मैं कर रही हूँ टेम्परेरी पल्लू को सेट। आपको भी टेम्परेरी पल्लू ही सेट करना है, और पल्लू की जो हाइट है आपको अपने हाइट के अकॉर्डिंग रखना है। जितनी आपकी हाइट है उतना ही पल्लू रखना है, फ्लोर टचिंग पल्लू रखना है। उसके बाद मैं बनाऊंगी प्लेट्स। प्लेट्स बंगाली साड़ी का मेन पार्ट्स है। जब भी आप प्लेट्स को बनाएं तो ब्रॉड प्लेट्स बनाएं, बड़ी बड़ी आपको प्लेट्स बनानी है। और यहाँ देखिए जैसे कि मैं प्लेट्स बनाऊंगी, आपको इस तरीके से ही प्लेट्स बनानी है। आपको साइड टू साइड प्लेट्स बनानी है। साड़ी में कम से कम 3 से 4 प्लेट्स बन पाती हैं, अगर लंबी चौड़ी साड़ी है तो
चार से पांच बन जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तीन से चार ही बन पाती हैं नॉर्मल साड़ी में। और मैं इक्वल साइज में प्लेट्स को बनाऊंगी। मेरी साड़ी में तीन प्लेट्स बनी हैं और यहाँ देखिए मैं साड़ी के प्लेट्स हैं उनको सेट कर रही हूँ। मेरी साड़ी सिल्क की है तो उसमें अच्छे से प्लेट्स बन गई हैं और उसके बाद मैंने प्लेट्स को टकिंग कर लिया है। जो वेस्ट के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी मैं टकिंग कर लूँगी। प्लेट्स को मैंने टकिंग कर लिया है, उसके बाद हम सेट करेंगे पल्लू को। पल्लू को पहले मैंने टेम्परेरी सेट किया था, अभी हम प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग में सेट करेंगे। और आपको जब भी प्लेट्स बनाए तो बॉर्डर के हिसाब से प्लेट्स बनानी है और आपको इक्वल साइज में प्लेट्स बनानी है। यहाँ देखिए मैंने जितनी भी प्लेट्स बनाई हैं वो इक्वल साइज में बनाई हैं। जितना भी एक्स्ट्रा पल्लू है सारे पल्लू को हम इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे। अगर आपसे प्लेट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग में नहीं बन पा रही है तो आप यहाँ आयरन की भी हेल्प ले सकते हैं। आयरन से फिनिशिंग में प्लेट्स आ जाती हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से अच्छी प्लेट्स बनती हैं। हाँ देखिए मेरी प्लेट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग में बनी है। उसके बाद मैं सिक्योर करूँगी सेफ्टी पिन से, अंदर की तरफ से मैं सेफ्टी पिन को लगाऊंगी। और यहाँ देखिए जो सामने की प्लेट्स हैं उनको मैं अभी सेट कर रही हूँ। एक्स्ट्रा पल्लू है उसको मैं बैक साइड में टकिंग करूँगी, या तो आप सेफ्टी पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं। बैक साइड में मैं सेफ्टी पिन लगाऊंगी। बॉर्डर को मैं प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग में करूंगी। आप चाहे तो यहाँ सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। मेरे पास बंगाली स्टाइल में ज्वेलरी नहीं है, अगर ज्वेलरी रहती तो साड़ी को लग वो और भी अच्छा लगता है। मेरे पास कुछ भी ज्वेलरी नहीं है तो साड़ी है वो थोड़ी अजीब सी लग रही है। यहाँ मैंने बैक साइड से पल्लू को लिया है और आप देखिए यहाँ बंगाली स्टाइल में जो साड़ी पहनते हैं वो एक पल्लू पकड़ते हैं और चाबी या गुच्छा इसमें डाल लेते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मेरी साड़ी है वो कैसी ड्रेप हुई है। फर्स्ट टाइम मैंने ड्रेप की है। ये था मेरा फाइनल लुक बंगाली साड़ी का। ये बैक साइड से जो मैंने पल्लू लिया था आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। आप देखिए साड़ी का लुक है वो कितना अच्छा लग रहा है। अब अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आज का ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।